के बता देना। राइट, आई थिंक वी आर लाइव। यस वी आर लाइव। आप लोग अंदर बैठ जाओ आराम से। अच्छा ओके, विक्की देख लो जरा। सो वी हैव, नमस्ते सबको, जो लोग आए उनको नमस्ते। वी आर वेटिंग सम, लेट सम पीपल ज्वाइन। कुछ लोगों को ज्वाइन करने के लिए वेट करते हैं, देन वी कैन गो एंड टेक अप दिस क्वेश्चन। राइट, सबको गुड इवनिंग। सभी अभी मैसेजेस में मैं देख रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जवाब देने का। ऐसे बताओ कि ये ना मीनिंगफुल बींग लाइव, मतलब मैं एक दो बार कभी लाइव कभी रहा हूंगा तो मतलब ऐसा कुछ लाइव नहीं रहा होगा, वो किसी न किसी दूसरे प्रोग्राम्स के लिए या किसी काउंसलिंग सेशंस के लिए या उसके लिए लाइव रहा हूंगा। ये पहली बार है शायद जब मैं इंडिपेंडेंटली, मैं इस पर्पज से लाइव आया हूं कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूं, मैं सबसे बात कर सकूं। तो इसके लिए तो अभी हमारे पास 249 व्यूअर्स ऐसे जुड़े हुए हैं, 250 लोग करीब जुड़े हुए हैं। एंड काफी सारे सवाल होंगे आप लोगों के दिमाग में, काफी कुछ चल रहा होगा सबके दिमाग में। मैं जानता हूं कि आई एम वेरी लकी कि आप लोग इतना मुझे यू नो जो भी एक पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ अप्रोच करते हैं, तो इसके लिए आई फील वेरी लकी। और इससे ही मेरी पॉजिटिविटी आती है कि बिकॉज यू नो अच्छे लोग जुड़ते हैं मुझसे, तो बस अच्छा लगता है इसलिए, और शायद इसलिए थोड़ी अच्छाई बनी रहती है। तो नाउ मैं द पॉइंट इज कि कुछ पॉइंट्स है बेसिक जो कि मैं आप लोगों से पहले बता देना चाहता हूँ। और उसके बाद अभी क्या है कि देखिए इस लाइव सेशंस में नए नए से लोग जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो शायद रिपीट करना पड़े या आप मिस कर जाएं। तो फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, है ना। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे अफवाहें हैं जो लोग घुमा रहे हैं, चला रहे हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा शायद प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां मैं खुद आके यू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आप खुद सुन लीजिए कि क्या बात है, तो खुद जान लीजिए क्या बात है। तो आप अपने क्वेश्चंस यहां पोस्ट कर सकते हैं एंड वील वेट कि एक मीनिंगफुल व्यूअरशिप आ जाए जिससे कि हम शुरू कर सके। तो आप में थोड़ा धैर्य रखा जाए कि सो दैट मैं सबके जवाब दूंगा, मैं मोर और लेस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देना चाहूंगा। और बहुत ज्यादा मैं लाइव नहीं आ सकता हूं बिकॉज मैं काफी ज्यादा आजकल ग्राउंड पे हम लोग ज्यादा रहते हैं। आज अभी भी कुछ इस लाइव सेशन के बाद फिर हम कहीं जाएंगे एक किसी इंटीरियर जगहों पे, तो इसीलिए जस्ट इस लाइव सेशन के लिए एक ठीक ठाक सा जगह देख के आया कि इधर बैठो आराम से साफ साफ बात कर सके थोड़ी खाली जगह पे। तो हम बाहर ही थे अभी तक, पूरे दिन से सुबह से बाहर बाहर ही थे और अभी बस इसके लिए आया। और फिर इस लाइव सेशन के बाद वी विल अगेन गो कुछ इंटीरियर, कुछ गाँव है जहाँ पे हमें जाना है। कुछ लोग जो इंतजार कर रहे हैं वो आशा रखे कि हम आएंगे, उनके कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ कार्यक्रम है उसमें, तो उसमें हमें जाना है। तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ बिफोर आई स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस। एनीवेज शुरुआत करते हैं फिर भी कि जब तक धीरे धीरे सब जुड़ेंगे। तो आप सबको पता ही है क्योंकि इस प्रोफाइल से, अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला शेयर कर देना बाकी हर जगह ना जो इसका लिंक है, ताकि जो भाई लोग को पता है जुड़ना चाहे, बाद में नहीं तो बोलेंगे कि भैया आपने बताया ही नहीं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। राइट, सो इट इज लाइक दिस, नाउ वी हैव गॉट 296 कमेंट्स, ओके फाइन थैंक यू। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आंसरिंग। सबसे पहले जिन्होंने मुझे जय हिंद कहा है उन सबको एक जय हिंद, टाइप्स ऑफ जय हिंद। और जिन्होंने गुड इवनिंग कहा है आप सबको गुड इवनिंग, जिन्होंने नमस्कार कहा है आपको नमस्कार। और एंड देन वी विल, आप लोगों ने कुछ ने हाई भी कहा है तो आपको भी हाई, एंड कुछ ने प्रणाम भी कहा है आपको भी सादर प्रणाम। और वंदे मातरम का भी देखा मैंने, तो वंदे मातरम आपको भी बिल्कुल। एंड देन ओके, कुछ लोगों ने इंकरेज भी किया, वेरी गुड दादा, धन्यवाद। राइट, तो थैंक्स एन पांडे जी, आप लिखते हैं यू आर द फ्यूचर ऑफ बिहार, एंड सो थैंक्स फॉर दिस फेथ। एक्चुअली ये आपने जो
जब ये कोई ऐसा कहता ना, ये देखो ये मैं इसको किसी तरह का इनकरेजमेंट या किसी तरह का ज्यादा बोलना नहीं मानता, मैं उसको एक आई टेक इट एज अ सेंस ऑफ फेथ कि आप भरोसा दिखाते हो मुझ में, तो दैट्स माई सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो, तो ऐसा। एंड या और मैं बस आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू दिस कमेंट सेक्शंस एंड मैं आपको बस सबको बता रहा हूँ। नमस्ते, हेलो सबको, एंड कैसे साहब जी, बढ़िया हो साहब जी, थैंक यू, गेटिंग इट ऑल फ्रॉम ऑल प्लेसेस, राइट। सो आप में से बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि बहुत अपने सपोर्ट्स भी आप दिखा रहे हैं मुझे इसके लिए, रियली थैंकफुल टू यू। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको, दो चार पॉइंट्स हैं जो मैं, आई कम टू द पॉइंट एंड आई एम श्योर कि ये जो रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, ये ऑनलाइन तो बाद में भी जो जुड़ेंगे वो इस पे आके एंड देख सकते हैं। सो कुछ पॉइंट्स थे बस, छोटे मोटे पॉइंट्स थे मेरे, दो चार मैं जब आपको बता के फिर आगे बढ़ना चाहूंगा, देन आई विल आंसर बाकी सारे आपके क्वेश्चंस, राइट। सो आप जानते हैं मोस्टली मैं कौन हूँ, तो आप इस प्रोफाइल पे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। तो ऐसा है, आप बहुत लोग सोचते हैं मुझसे कि भैया आपने आईपीएस की नौकरी क्यों छोड़ी, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि आपने आईपीएस की नौकरी क्यों छोड़ी। तो मैंने देखिए आईपीएस की नौकरी पर से ऐसा सोचना कि आईपीएस की नौकरी छोड़ी, हाँ तो हाँ एक टैग जरूर छोड़ा है, एक मतलब एक प्रोफेशनल करियर के हिसाब से कहा जाए तो हाँ जरूर उसको मैंने छोड़ा है, बट मैं काम नहीं छोड़ा हूँ। मैं पहले भी पब्लिक सर्विस था, पब्लिक सर्विस में था, आज भी पब्लिक सर्विस में हूँ, बस मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया है। प्लेटफॉर्म चेंज इसलिए करना पड़ा मुझे कि मुझे एक थोड़ा सा और बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था, यहाँ से और बड़े प्लेटफॉर्म से, क्यों, क्योंकि इसमें एक सतरंगी टाइप का एक सिचुएशन है, आप सोसाइटी में उतरते हैं तो इतने विभिन्न टाइप के आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने अलग अलग टाइप के लोगों से आप मिल सकते हैं, इतने इश्यूज हैं, कहीं एक ही समाज में देखेंगे कि मित्रता भी है और कट्टर दुश्मनी भी है, अलग अलग इंटरेस्ट है, कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है, और छोटा सा एक केक है उसमें सब चाहते हैं कि उसमें से हम ले, और इस तरह की बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे इच्छाएं इरादे हैं, तो उनको भी करने की, ये सब चीजों को जब आप एक पटल पे उतारते हैं, एक जगह पे लाते हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ही ऐसा हो सकता है जहां से एक समानांतर तौर पे, एक जस्टिफाइड तौर पे आप शायद एक सिंसियर एफर्ट दे सकते हैं, सीरियस काम कर सकते हैं, इफेक्टिव काम कर सकते हैं, इसीलिए मुझे ये चुनना पड़ा। मेरा एट द एंड आप पूछेंगे क्या है, तो इट इज नॉट, अगेन ये नहीं कि आपने पुलिस की छोड़ा पॉलिटिशियन बनना था, तो इतना स्ट्रेट इसका आंसर नहीं है, मुझे सोशल सर्विस करना था, करना है रादर, मुझे सोशल सर्विस करना है, मुझे सोसाइटी के लिए काम करना है, क्योंकि मेरा किक वहां से आता है। जब आप अपने आसपास की जिंदगियां तड़पते तरसते देखते हैं तो अंदर से घुटन होने लगती है। मैं, आपको पता है मैं बिहार के एक बक्सर क्षेत्र से मोस्टली यहीं से आता हूँ, और यहाँ भी आज भी हम जब कहीं गए थे देखा है एक रास्ते में ही, मतलब ऑलमोस्ट एक डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी के दवाई की दुकान के बाहर एक जन को सुला के उनको सलाइन दे के, वैसे रास्ते में वो ऑलमोस्ट रास्ते में जैसे सुलाने जैसा हो गया, एक सीएसपी पे इतना भीड़ देखा सब कुछ, तो ये सब जब देखते हैं ना तो लगता है कि यार हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी एक जॉब प्रोफेशन अपनी जगह ठीक है। तो ऐसी चीजें मैं जब जब बाहर निकलता हूँ, अपने प्रोफेशनल माइंडसेट से निकलता था, तो ये मुझे हॉन्ट करती थी, दैट ये बहुत काम है और मैं जिस रफ्तार से एक सर्विस में काम कर रहा हूँ नहीं हो पाएगा। आप कह सकते हैं मैं एम्बिशियस हूँ, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जुनूनी हूँ, बस आई नीड समथिंग मोर फॉर माई पर्सनल सेटिस्फैक्शन, तो इसके लिए ही शायद मैं उतरा कि कब तक घुटेंगे हम, कब तक सोचेंगे और कोसेंगे कि यार मौका नहीं मिल रहा है या कुछ भी, तो इसीलिए मैं फाइनली डिसाइड किया कि नो, आई टेक अप द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू डू सोशल सर्विस, आई टेक अप अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ नेशन। मैं इसलिए, सिर्फ पॉलिटिक्स मेरे लिए अंत नहीं है, आई एम नॉट हियर टू बिकम अ पॉलिटिशियन, आई एम हियर टू बी अ पॉलिटिशियन टू यूज दिस पोस्ट पोजिशन कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर पब्लिक गुड। इन सब चीजों का मेरा है कि मैं पॉलिटिशियन नेतृत्व या नेता के रूप में इसलिए आना चाहता हूं कि मैं जो जो हमारे पास जो भी पब्लिक संपत्ति है, मतलब कि जो सरकार के पास जो संपत्ति होती है या जो क्षमता होता है, उसको हम इस्तेमाल कर सके हमारे वैसे लोगों के लिए जिनके पास
काफी मजबूती से खुद को खड़ा करने के अवसर नहीं होते या पहुंच नहीं होती। तो इसीलिए सिर्फ मैं इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को एक यूज करना चाहता हूं। मैं इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म या राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए ही नहीं आया हूं। तो ये अभी बहुतों को नहीं समझ में आएगा, ये बाद में समझ में आएगा। अब देखिए, समीन अहमद चौधरी साहब लिखते हैं मुझे, यू मेक अ ब्लंडर मिस्टेक इन योर लाइफ बाई रिजाइन योर वैल्यूएबल पोस्ट व्हाट एवर बी लॉयल विथ पीपल। तो ये जो है ना समीन जी, मैं कहूंगा आई रिस्पेक्ट योर थॉट, क्योंकि ये सर्विस जो है ये बहुतों के लिए ये यू नो कोवेटेड सर्विस होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आप अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हैं, मैं अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहा हूं। आपका सच भी सच है, मेरा सच भी सच है, तो आपका सच मेरे सच को झूठ नहीं बना देता। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ ब्लंडर फ्रॉम माय पार्ट, इट इज अ परफेक्ट थिंग, इट इज अ परफेक्ट थिंग। मैंने अपनी लाइफ में एक स्पेस पे एक अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट किया है, आई हैव टेकन अ डिसीजन व्हिच इज क्लोज टू माय हार्ट। इससे मुझे पछतावा नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे किक मिल रहा है, यू नो आई एम बीइंग हैप्पी कि मेरे पास ये अब अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे पास मौका है, वक्त है, हर कुछ है कि मैं अपने जो जो मन में जो मेरी खुलबुलाहट थी कुछ करने का वो मैं कर पा रहा हूँ। मैं मान लीजिए एक सर्विस में हूँ, मैं IAS हूँ, IPS हूँ, कुछ भी हूँ, एक सर्विस में हूँ, लेकिन मैं जिस लेवल पे जाके काम करना चाहता हूँ अगर नहीं पूरा हो रहा तो मैं कब तक रुकूंगा कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिले, मैं जब तक और सीनियर हूँ तब जाके मैं करूंगा, और फिर जब और सीनियर 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 होते जाते तो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपनी जगह को बैलेंस आउट करने में हम फिर खुल के नहीं जी पाते हैं। तो लॉट ऑफ पुल्स एंड पुशेस आर देयर। तो इसीलिए इट्स माय ट्रुथ, इट्स माय एक्सपीरियंस, माय लाइफ इज मेड ऑफ माय एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी और मेरी सच्चाई को बनाते हैं। तो दैट्स व्हाई, सो देयर इज, अगर आपको लगता है कि इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक, तो यस, आप मेरी जगह होते तो शायद आपकी सोच वैसे होती, बट मेरी ऐसी सोच नहीं है। इट्स नॉट अ ब्लंडर, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स एन अपॉर्चुनिटी व्हिच आई हैव टेकन। यस, इसके अलावा और ब्रह्मपुर से भी है। बाय द वे मैं और बताऊं कि क्योंकि आपको पता होगा कि मैं बक्सर में हूं, अपने बिहार में हूं, और मैं जानता हूं क्योंकि मुझसे कनेक्ट होने वाले पूरे देश के अपने हमारे भाई बहन हैं, मित्र हैं हमारे, तो इसलिए मैं हिंदी और अंग्रेजी का कर रहा हूं, लेकिन मेरे गांव से मेरे क्षेत्र के भी लोग हैं जो चाहेंगे कि मैं भोजपुरी में उनसे बात करूं। इट्स नॉट कि अच्छा मानने वाली बात नहीं, समझने की बात है, कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मैं बीच में अगर भोजपुरी बोलता हूं तो आई एम श्योर कि मेरे जितने बाकी भाई बहन हैं और जितने मित्र हैं इस बात को रिस्पेक्ट करेंगे कि मैं जिस ऑडियंस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं तो ये उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। मैं बीच में एसएमएस भी बोल सकता हूं, अगर कुछ एसएमएस में कुछ आते हैं, कोई बंगला भी बोल सकता हूं, बंगला बोलना हो, हिंदी बोल सकता हूं, अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो जो भाषा मुझे आता है मैं जरूर बात करूंगा। तो काफी लोग इसमें मुझे अपना प्यार भी जता रहे हैं, लव यू फ्रॉम असम सर, थैंक यू, आई लव यू टू एक्चुअली, एंड देयर इज नो डाउट इन दैट। उसके बाद बहुत सारे मित्र हैं जो कि यू नो इसके सेवक यानी कि ओके लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको, है ना। भारत माता की जय, डेफिनेटली चंद्रशेखर रॉय जी सर भाले आसे ने, एकदम भालासु, बहुत धन्यवाद, आशा करूँ अपनी हकुली भाला से भाल के थकी वो। और बाकी कोई और भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि NIOS करके हम मतलब पुलिस बन सकते हैं ना, पर जरूर बन सकते हैं। देखिए, आप कुछ भी लाइफ बन सकते हैं, जिस हर चीज़ का एक अलग एंट्री है, आप उसका एग्जाम दीजिए, आप वो बन सकते हैं, सो उसके लिए आप चिंता मत करें, ठीक है। और लेट मी टेक अप क्वेश्चंस, बहुत बहुत सारे आगे भैया, 13,342 कमेंट्स आ गए हैं। कुछ कह रहे हैं आप, संघर्ष करिए, पूरा बक्सर आपके साथ है, बिल्कुल मैं करूंगा। और एक चीज मैं अभी आऊंगा उस पॉइंट पे, आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा ये पॉइंट। और बाकी हमारे सारे भाई हैं यहाँ पे, तो मैं आप सबसे अभी अभी आके हम बतियावा तो नहीं कर बारे में, अभी हम तुरंत आके बात करो ये बारे में, थोड़ा सा बेकर चिंता मत करो, हम अभी आवता नहीं। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीजें लिख रहे हैं, बिहार के चंपारण से भी। एक बस एक नजर इस पे डाल रहा हूं ताकि मुझे एक जनरल आइडिया मिल जाए कि क्या बातें चल रही हैं, और मैं आपको इमीडिएटली बताता हूँ। जो शुभकामनाएं दे रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, रियली गॉड ब्लेस यू। और जो हमारे फोर्सेस के लोग भी हैं, CRPF से भी अजय ओझा भी है, अर्जुन ओझा जी हैं, आप बहुत धन्यवाद भैया, आप CRPF से हैं, एंड आप यू नो थैंक्स अ लॉट। और ये प्रणाम बिहार से, चंपारण से, अभी दिल्ली में UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, शुरुआती दिनों में आपने आइडियल रहे हैं, IPS प्रिफरेंस आपसे प्रभावित होकर के चाहता हूँ कि आप जो बिहार बदलने की योगदान दे जाए उसमें आपका कदम से कदम, दैट्स ग्रेट, यू नो
इट इज रियली नाइस, थैंक्स अ लॉट ब्रदर। मैं बताता हूँ अभी, जस्ट आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट। ओके राइट। तो आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी बहुत पॉलिटिकल थिंग्स ना, कुछ लोग कह रहे हैं भैया आपके साथ धोखा हुआ, ये हुआ। मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। एक चीज आप समझिए, आप जीवन में जब भी कुछ करने का सोचते हैं तो पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। अगर मैंने सोचा कि मुझे पॉलिटिकल लाइफ में आना है, मुझे सोशल लाइफ में आना है, तो पहला कदम मुझे उठाना पड़ेगा। मुझे पहले अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मुझे अपने आप को उपलब्ध करना पड़ेगा। तो कुछ कहते हैं आपको किसने कमिटमेंट किया था, आपको किसने प्रॉमिस किया था, आपको किसने धोखा दे दिया। यार कमिटमेंट मेरे दिल ने किया था, प्रॉमिस मेरे दिमाग ने किया था, कोई मुझे धोखा नहीं दिया, ये मेरा डिसीजन है, ये मुझे आना है। एक एक रास्ते होते हैं, रास्ते में कुछ लोग होते हैं जो आपको मदद करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर कोई रास्ते मदद करे या ना करे तो इससे आप पे आपका रास्ते पे निकलना कैसे प्रभावित होता है, ये तो आपका डिसीजन है उस रास्ते पे आना ना, ये किसी और के डिसीजन से तो आप आए नहीं। तो इसीलिए अगर कोई मदद ना कर पाए किसी कारणवश, ये ना कहे कि उसने मदद नहीं किया, किसी कारणवश कोई मदद ना कर पाए तो उसको ब्लेम नहीं करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, खुद मेहनत के लिए तैयार रहना है। जो मैं हूं, मैं अपने आप को कम से कम अगला 30-40 साल देख रहा हूं कि मैं आराम से पॉलिटिकल फील्ड में मैं काम कर सकता हूं। तो इसके लिए इसी को लेके किसी को हताश होने की जरूरत नहीं। मैं हताश नहीं हूं, बाकी क्यों हताश हो रहे हो। मैं खुश हूं, मैं समझ रहा हूं कि मेरी पॉलिटिकल मैच्योरिटी बढ़ेगी। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में ही इतनी मेरी मैच्योरिटी इसके बारे में आ गई, समझदारी आ गई काफी सारी चीजों को लेके। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आई एम गॉट ट्रेंड फॉर दिस, है ना। इसको आप कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोई किसी के साथ धोखा देता है। किसी भी मेरे भाइयों बहनों मित्रों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवन में आप जिस भी रास्ते निकले, आप जो भी करना चाहें अपने दम पे निकले, खुद करने का भरोसा रखें। ये ना सोचे कि किसी ने आपको अश्योरेंस दिया है, कमिटमेंट दिया है, कोई आपको करवा देगा, कोई आपको सीढ़ी तक चढ़ा सकता है। दैट्स इट, सीढ़ी खुद चढ़ता है ऊपर, आपको पकड़ा दिया कि ये बेटा सीढ़ी है, ये रखो पैर, अब चलो अपने आप ऊपर चढ़ो। कोई आपके लिए खाना बना सकता है, मुंह तक ला सकता है, खाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए कभी हम ब्लेम करने वाले एटीट्यूड पे ना जाएं। मेरा भी किसी से कोई ब्लेम नहीं, कुछ नहीं। अब ये जरूर है कि हम मुझसे कोई पूछ रहे निर्दलीय लड़ेंगे आप, मैं आपको बताऊं, देखिए दिस इज अ डिक्लेरेशन विच आई एम मेकिंग। मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है, सोशल सर्विस में आया हूं, मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं, मैं यहां पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो आप सब जान लीजिए कि यस मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अब ये चाहे जिस माध्यम से हो, बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये मेरी अंतःकरण की आवाज है, और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लीजिए। मैं बहुत सालों से यहां पर अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं। लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से, अपनी बात को व्यक्त किया है, अपने लोगों की बात सुनी है, उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की। इसमें हम दोनों, हम समाज में यानी जनता में और मुझ में एक रिलेशन बिल्डअप हुआ, जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, आशाएं डेवलप हुई, कुछ उम्मीदें जागी, कुछ कमिटमेंट्स बने। और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश पे चल रहा है उस विजन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की काबिलियत लेके आया था और यहां पे मैं स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करता पब्लिक इंटरेस्ट में। वो रास्ता नहीं हुआ, लेकिन वो कमिटमेंट तो है, लोगों के साथ जो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो भाव जुड़ा है, उसको मैं कैसे छोड़ू, उसको मैं कैसे दागा दे दूं, उसको मैं कैसे कह दूं कि यार जो बात हुई थी बस बात हुई थी, टिकट पर डिपेंडेंट था मेरा आपके लिए सर्विस ओरिएंटेशन, ये तो गद्दारी होगी ना मुझसे। मैं कैसे फिर, मेरा गांव है, मेरा घर है, मुझे आना है, मुझे लोगों से, इन्हीं लोगों से मिलना है, इनके बीच ही रहना है, कैसे कर सकता मैं गद्दारी। इसीलिए हमारे सारे लोगों से मैं मिला, मैं जहां जहां गया सब लोगों ने मुझे यही कहा कि भैया अब ये जो बात है ये बक्सर के सम्मान की बात है या मेरे पर्सनल सम्मान की भी बात है, मेरा पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। मैं इसलिए मैंने थोड़ा वक्त लिया कि देखते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस नहीं मिला। तो गाइडेंस नहीं मिला तो मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकता हूं। लोग मुझसे रोज पूछ रहे हैं, मतलब कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप हमें धोखा देने वाले हो क्या,
आप आपसे बातें हुई थी, हमने कुछ सपने देखे थे अपनी इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेके, हमने कुछ प्लान्स बनाए थे, उसका हुआ क्या भैया? आप क्या करें, सारा का सारा यूथ, हाउ कैन आई डिच देम? तो मैंने फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा, ये इलेक्शन बक्सर की जनता लड़ेगी। मैं सिर्फ एक उनके लिए चेहरा हूं, एक नाम हूं, एक बड़े से जो दुकान में जैसे बोर्ड बाहर लगता है वो बोर्ड है, यहां है बक्सर का हर एक बंदा एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है आनंद मिश्र के नाम से। दैट्स इट। तो इस बात से मैं अपील भी करूंगा कि ये बक्सर के सम्मान की लड़ाई है। मैंने जो प्रण किया था, मैंने जो आपसे घूम घूम के जब मिला, जब मैं जो भाव व्यक्त किया था, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई एम श्योर कि हमारी बक्सर की जनता भी उससे पीछे नहीं हटेगी। तो ये रहा, इस चैप्टर को मैं क्लोज करना चाहूंगा कि आप ये जान लीजिए कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। इस पे लेके आप दुविधा में ना रहेंगे, भैया आप इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। अब ये क्या है? हाँ, तो यू नो, तो ये चीज को आप ऐसा मत सोचिए कि दुविधा नहीं होना चाहिए, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं कि नहीं लड़ रहा हूं, मैं डेफिनेटली इलेक्शन लड़ रहा हूं, दैट इज फॉर सर्टेन। और आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को पता मुझे क्या, लोग कहते हैं भैया आपका तो रिजिग्नेशन ही एक्सेप्ट नहीं हुआ। इस तरह के लोग घूम रहे हैं मार्केट में जो आपको 50 अफवाहें फैलाएंगे, जो मेरे असम के भाई लोग हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ वो भी आपको बहुत कुछ बताएंगे। तो बहुत कह रहे हैं कि भैया आप तो इलेक्शन, आपका तो मतलब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये आप थोड़ा गौर से पढ़िए, मैं आई कैन नॉट पोस्ट इट ऑनलाइन, बट आप खोज लीजिए, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है 29 जनवरी 2024, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, महामहिम द्वारा हमारा रेजिग्नेशन लेटर बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया गया है, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए आप काइंडली ऐसे किसी की बात में ना आए, ऐसे किसी के धोखे में ना आए कि भैया इनका रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट हुआ है। ये लोग अफवाहें फैलाते हैं, कुछ लोग हैं जिनको मन में कहीं ग्लानी होगी, कुछ होगी यार कुछ तो बोला था इस बंदे से वो हो ना पाया, तो अब चलो ये कहानी बना दे। तो इसलिए ऐसे में ना जिए। काफी लोग हैं, काफी लोग इस रास्ते मुझे मिले, जिससे मुझे ये समझ में आया कि यार आप कभी किस पोजीशन पर पहुंचे ना, अगर मैं कभी इसे किसी पोजीशन पर पहुंचूंगा मैं वैसा नहीं बनूंगा। यहां लोग सीखते हैं ना, बड़े लोगों से सीखते हैं, अच्छे लोगों से क्या सीखते हैं, यार ऐसे बनना है मुझे। बहुत बार ये सीखने को मिलता है अनफॉर्चुनेट कि भैया हमको ऐसा नहीं बनना है, तो मैं वो चीज नहीं करूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो ये मैं किसी और भी, कभी कोई छोटा भाई हमारा आता है, कोई हमारे आप में से मित्र आते हैं जब ऐसी फील्ड में, मैं किसी भी लायक होता हूं मैं आपके लिए कुछ एक सीढ़ी लगा सकूं या आपको ऊपर आने में मैं मदद कर सकूं, तो कम से कम मैं वो नहीं करूंगा जो मैंने फेस किया है। तो ये मेरे लिए सीख है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा ऐसे किसी अफवाह में मजे हैं। आपको लोग कहेंगे, कुछ लोग आके कहेंगे भैया वो तो सस्पेंड हो गए थे, है ना, बताइए, मतलब कुछ भी कोई बोल देता है भैया तो बहुत पैसा कमाए हुए हैं। अगर हम पैसा कमाए होते तो मेरे सारे भाई पड़े जाके चेक कर लो मेरे पास क्या है क्या नहीं है। यही अगर करना होता मुझे तो मैं बहुत कुछ और कर सकता था। तो ये हंसी का पात्र होता है, तो आदमी होता है, ये एक लाइफ का एक ऊपर चढ़ने का ये होता है कि जब लोगों के पास आपके लिए कुछ मिलता नहीं है आपके अगेंस्ट, तो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, आपके बारे में अफवाह बनाते हैं, आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं, जो मन में आता है बोलते हैं, और वो चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इस ऐसी बात है कि मुझे लगता है कि कुछ लोग इससे थोड़ा प्रभावित होते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए बता दिया कि इन सब अफवाहों में ना है, कुछ प्रॉब्लम मुझसे ही पूछ लो डायरेक्टली, यहां वहां कहानी करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, किसी पुराने एक आईपीएस अफसर की बात करेंगे, भैया उनके साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अरे भैया 50 ऐसे हैं जो सक्सेसफुल भी हैं, इतना नेगेटिव माइंडसेट क्यों है कि एक अनसक्सेसफुल या दो अनसक्सेसफुल एग्जाम्पल्स को लेकर आप अपनी जिंदगी जी रहे? मुझे तरस आता है आपकी सोच पे कि आप कैसे इकोसिस्टम बना रखा है आपने अपने लिए। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स लाइफ में चुनना सीखिए, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देखना सीखिए। अगर आप किसी को हतोत्साहित करते हैं तो प्रॉब्लम उस बंदे में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी माइंडसेट में है कि हम कमजोर हैं, हम नेगेटिविटी से ग्रस्त हैं, जो सबके ऊपर हम वो थोपने की कोशिश करते हैं, उस एंगल से उस नेगेटिविटी का चश्मा लगा के देखते हैं, तो उस पर थोड़ा वर्कआउट किया जाए। लाइफ इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, लाइफ आप जब तक जिंदा है तब तक आपकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कुछ भी बेहतर करने का, तो उस पर ध्यान दिया जाए वो ज्यादा अच्छा होगा। और कुछ लोगों का जो मजाक उड़ाएंगे, अभी भी किसी ने देखा
कि आप किसी ऐसे मत करिएगा, वैसा मत करिएगा, आप उसके ऐसा मत बनेगा, हंसी का चिन्ह लगाया, यू नो। सो वेन एवर जब हमें किसी पे हंसी आए ना, तो हमें हमेशा अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, ये क्या मैं ऐसा कुछ नहीं किया जीवन में जिसपे कोई मुझ पर भी हंस सकता है, और उस वक्त क्या वो हंसना जरूरी है, आपका उसके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम है। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी सिर्फ फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पे कमेंट में अपना राष्ट्र प्रेम नहीं दिखाता, वो अपना सब कुछ छोड़ के ग्राउंड पे उतरता है अपना काम करने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए, टू वॉक हिज टॉक, जो कहते हैं ना टू वॉक हिज टॉक, वो उतरता है जमीन पे, वो सारे यंग जनरेशन के लिए नाम पे उतरता है, वो सारे ऐसे पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के नाम पे उतरता है, वो सारे ऐसे वेल मीनिंग लोगों के नाम पे उतरता है कि नहीं, हम अगर नहीं बदलेंगे देश को, हम अगर अपनी जवानी को नहीं खपाएंगे जब देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, तो कौन करेगा? अगर घर का बेटा ही ना आए आगे बढ़ के अपना घर बनाने में, कौन आएगा? और इस बात से, ऐसी बात में अगर किसी को हंसी आती है, किसी को इसमें कोई कॉमिक चीज दिखता है, उसमें मजाक उड़ाना दिखता है, तो यू नो आई एम सॉरी टू से ब्रदर सिस्टर, यू नो आपको थोड़ा सा और मुझे लगता है अपने आप को समेटने की जरूरत है, और अच्छे प्रयास का को आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। और इस पे और एक बात ऐड करूंगा लास्ट, कि मेरा सफल होना बहुत जरूरी है। जो हम होंगे, हम होंगे, इसमें कोई शक ना रखे कोई, हम जरूर सफल, मेरा सफल होना क्यों जरूरी है ये समझ। अगर मैं विफल होता हूं तो कल को कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी सच्चा आदमी, कोई भी वेल मीनिंग आदमी, कोई भी ऐसा आदमी जो सैक्रिफाइस की भावना रखता हो और समाज के लिए कुछ करना चाहता, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो कहेगा देखो भैया वो गए थे ना, क्या हुआ उनका, हम नहीं ले जाएंगे भाई, हमसे ना हो पाएगा यार, ये समाज में अच्छे लोगों की जगह नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करके वो रूल आउट कर देंगे। तो आप क्या चाहते हैं, हम सारे वैसे लोगों को यह समाज सौंप दे जो कि अच्छे लोगों को गिराने में कामयाब होते हैं? क्या हम ऐसे लोगों को समाज सौंप दे जो कि अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर रखते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करना है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हर आदमी को आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं जैसे पहले भी कहा कि मेरा मेरे से पहले कोई फेल हुआ हो, से मैं दिखता हूं मैं भी फेल हो गया, सब मेरे बाद कोई और फेल, तो ये मत सोचिए कभी भी, ये मत सोचिए कि सब फेल हो रहे हैं, ये समझिए ये सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। कोई एक सीढ़ी था, मैं एक सीढ़ी हूं, कोई और एक सीढ़ी आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि सीढ़ी मुझ पे आके खत्म हो जाती है। वो बंदा जो आखिरी सीढ़ी, जो ऊपर पहुंचेगा जहां पे वो सो कॉल्ड सक्सेस का प्लेटफॉर्म रहेगा, आप कहेंगे सिर्फ वो सीढ़ी ही सक्सेसफुल है, तो उसके नीचे वाले सारे सीढ़ी, मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी, तो नीचे वाले सारे सीढ़ी वेस्ट नहीं होते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस निगेटिविटी के चक्कर में हमको नहीं जाना है, राइट? तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप में थोड़ी सी भी यू नो एक क्या कहूं मैं पॉजिटिव पॉजिटिविटी वाली बात है, थोड़ी सी भी अगर आपको इस लाइन में आप बात को समझें कि हर चीज को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें दिल से भी करनी पड़ती है। बींग इमोशनल इज एज इंपॉर्टेंट एज बींग रैशनल। सिर्फ रैशनल 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 करेंगे हम मशीन बन जाएंगे। वैसे ही एआई का जमाना चल रहा है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सबको रैशनल बना दिया है, तो थोड़ा सा हम इमोशनल क्वेश्चन पे भी ध्यान दें, सिर्फ इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे ना दें, दूसरों का मखौल उड़ाना छोड़े, और अगर कोई आगे बढ़ा है अब सब कुछ त्याग के अब किसी के लिए करना, तो बिलीव मी जब अगर फ्यूचर सुधरेगा, कुछ भला होगा, तो उसमें आपका भी भला ही होगा, उसमें जुड़ दे। इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में, मेरे जैसे बहुत सारे लोग और भी अच्छे प्रयास हो रहे हैं बिहार में, आपको पता होगा, उन प्रयास के साथ भी जुड़े, सबको सपोर्ट करें, सबको ऐसे जो जो भी हैं जो कि अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उनको हमेशा हतोत्साहित करने वाला भावना रखें। और लेकिन अगर रखेंगे भी तो आई एम श्योर कि अब मुझ जैसे लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग जरूर होते हैं जो डोल जाते हैं। अगर मुझ जैसे नहीं तो जैसे होता है ना कि कुछ लोग जो मुझ जैसों को सपोर्ट करते हैं वो डर जाते हैं, वो हतोत्साहित। तो आप समाज बनाने के काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या समाज तोड़ने के काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सोच विचार के आप उस कदम आगे बढ़ाएं। कभी कभी न्यूट्रल होना भी ज्यादा अच्छा है। आप नहीं सपोर्ट करी कोई बात,
लेकिन आप जिस मोमेंट आपने डिसाइड किया कि अब उसका मखौल उड़ाया जाए, उसकी चुटकी ली जाए, तो थोड़ा अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम क्या क्या करते हैं, हम किस जगह पहुंचे हैं कि हम उनका मखौल उड़ाने के लायक हो सके हैं, या हम उनका और भी इस तरह की बातें या ऐसा कुछ हम करके उनको दबाया जा सकता है, रोका जा सकता है, गिराया जा सकता है। ह्यूमन टेंडेंसी है टू बी नेगेटिव, यू नो, उस पर कंट्रोल करने के आगे बढ़ा जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी ऐसे लोगों की जरूरत है जो पॉजिटिव सोचते हो, जो यकीन रखते हो कि हम चीजों को बदल सकते हैं, हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जो कि मीनिंगफुल हो, जो सृजनात्मक हो, क्रिएटिव हो, और जो भरोसा रखते हो खुद पे और अपने आसपास हर किसी पे। तो ऐसे लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसा हो जो जुड़ना चाहता है, क्योंकि ये देखिए, ये जो शुरुआत हुआ है मुहिम, ये सिर्फ बक्सर का मत समझिए, है ना, ये पूरे बिहार तक जाएगा, और सिर्फ बिहार ही नहीं, ये पूरे देश तक जाएगा। तो इस मुहिम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इफ यू रियली वॉन्ट टू सपोर्ट अस, यू नो, हमसे आप जुड़िए। मैं इस पूरे इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक गूगल शीट एक मैं शेयर करूंगा, आप उसमें अपने डिटेल्स दे दीजिएगा, उसमें सब रहेगा, आप कैसे जुड़ना चाहते हैं, क्या जुड़ना चाहते हैं, एंड देन हम आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे एंड वी विल वर्क फर्दर। अभी के लिए जो हमारा चल रहा है, तो यू नो, मैं गिटार वेटार नहीं बजा पा रहा हूँ आजकल, वक्त नहीं मिल रहा है, हाँ, तो मैं बट चाहता हूँ कि जल्दी से मुझे वक्त मिले कि मैं थोड़ा सा अपना कभी कभी गिटार भी बजा सकूँ, मेरी आत्मा भी संतुष्ट रहे उससे। अब बाइक भी ज्यादा चलाने का अभी तक मौका नहीं मिल पा रहा है, वो भी करेंगे, उस पर भी आएंगे हम लोग, हमारा पेट्रोलर वाला चैनल भी आएगा, उस पर भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा, वो भी हम करेंगे, और जिंदगी के हर आयाम को जिएंगे। लेकिन उसके पहले मैंने कुछ लोगों के दिल में भरोसा जगाया है, कुछ लोगों के मन में एक आस जगाई है, उसके लिए मुझे खड़ा होना जरूरी है, उसके लिए मुझे लड़ना जरूरी है, उसके लिए उन लोगों के सम्मान के लिए और अपने भी आत्मसम्मान के लिए मुझे कुछ करना जरूरी है। तो इसमें आप अगर चाहें कि मदद करना चाहते हैं, तो ये बिलीव मी इज नॉट पॉलिटिकल, ये सिर्फ राजनीति ना समझिए, इसमें राजनीति नहीं है, ये एक क्षेत्र की कहते हैं ना द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली जो बात है, ये एक डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर है कि हम अपना नेतृत्व खुद डिसाइड कर सकें, यू नो, तो उस चीज में वो जो डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग से कोई चीज, ना कि कुछ दो चार लोग जो कि पूरे मशीनरी को हाईजैक कर लें, ऊपर या जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन, फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन भेजिए, उसके पास खबर ही ना मिले कि नीचे एक्चुअली ग्राउंड में चल क्या रहा है, है ना। मुझे कभी सोचिए, मुझे किसी ने कहा कि मुझे हमें पता चला कि आप जो अपोजिशन वाले हैं वो आपको फंडिंग कर रहे, और आप उस फंडिंग से आप अपना काम चला रहे, तो मैंने सोचा भाई साहब, आप इसी इंटेलिजेंस नेटवर्क के बेसिस पे कहते हैं कि आप पता नहीं भारत को कहां पहुंचाएंगे, यही आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क, यू नो। तो आई मीन आई एम फील सो सॉरी फॉर दिस, कि इस माइंडसेट से कि भाई साहब, आप लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में सब चलता है, आप चलाते हैं इसलिए चलता है, पॉलिटिक्स में ये चलने की बात नहीं थी, राम भी राजा थे, और जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम के आदर्शों पर ही राम राज्य बन सकता है, कंस या रावण के आदर्शों पर हम राम राज्य स्थापित नहीं कर सकते। तो मैं उस राम राज्य की कल्पना करके चला हूं जो राजा राम के टाइम पे था, जो सच्चाई पे बेस्ड था, जो दिल की क्लैरिटी पे बेस्ड था, जो एक सृजनात्मक क्रिएटिविटी पे बेस्ड था, जो मीनिंगफुलनेस पे बेस्ड था, जो एक दूसरे को गिरा के अपनी जगह नहीं बनाते, जो अपनी मेहनत करके अपनी काबिलियत बना के अपनी जगह बनाते हैं। और ऐसा प्लेटफॉर्म जब तैयार होगा, तभी हमारा देश मेरिटोरियस देश कहलाएगा, मेरिटोरियस देश होगा तभी हमारे देश की उन्नति होगी। 3-5 करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हमें विश्व गुरु बनना है आगे, अगर हमें सच में टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में आना है और सच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना है, जो डेवलपमेंट रुके, हवाई डेवलपमेंट नहीं रुके, तो मेरिट बेस्ड होना पड़ेगा, वो मैनिपुलेशन बेस्ड नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा, मैं सख्त मांगता हूं, मुझे बहुत लोग बोले भैया ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होता, यहां सब ऐसा है वैसा है, बस ठीक है, सब है, सब नहीं बोली, कुछ लोग हैं या बहुत कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं जो आज भी सच्चाई की पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, वो ये यकीन रखते हैं कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ फील्ड फॉर स्काउंडल्स, इट इज अ फील्ड फॉर वेल मीनिंग पीपल who really feel for the society, feel for their country, and they want to make a meaningful change and create a world of happiness, peace, prosperity around them. ये मैं उस भाव से आया हूँ। इसलिए इस बात को बहुत लोग नहीं समझेंगे अभी। बहुत लोग
बहुत सो कॉल्ड प्रैक्टिकल लोग, सो कॉल्ड बहुत समझने वाले लोग, इसका आउट रूल कर देंगे, कुछ नहीं होगा भाई साहब। एक अंधेरे में एक दिया भी जले ना, तो उस अंधेरे को चीर देता है। वो छोटा सा दिया होता है, अंधेरा खत्म करने के लिए एक दिया ही चाहिए होता है, आपको हेलोजन नहीं चाहिए होता है। वो दिया बने हम, पॉसिबिलिटी तो जो है उसको हम तो कम से कम आगे बढ़ाए, हम एक रास्ता तो दिखाए कि ये है पॉसिबल। तो हम जैसे मेरे विचारधारा के जो लोग हों, जो भी आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी मेरे साथ चाहते हैं कि साथ मिलकर आगे बढ़े, और बिलीव मी इट्स नॉट अबाउट ओनली बक्सर, इट इज अबाउट द नेशन। आप जहां भी हैं देश में, आप जहां भी हैं बिहार में, आइए साथ मिलिए। क्योंकि देखिए बक्सर का मैं बताऊं तो बक्सर अपने में बक्सर नहीं बन सकता है, बक्सर वासी जो है, जो बक्सरी है, जो बक्सर के लोग हैं, वो जब बढ़ेंगे तभी बक्सर बढ़ेगा। बिहारी जब बढ़ेंगे तभी बिहार बढ़ेगा। जब हिंदुस्तानी या भारतीय लोग बढ़ेंगे तभी भारत या हिंदुस्तान बढ़ेगा। ये हमारे कह देने से नहीं बढ़ जाता कि बढ़ गया। तो इसीलिए हम सबका यूनिटरी, जो अपने इकाई के लेवल पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे आपका एक एक वोट इंपॉर्टेंट है, वैसा आपके एक एक प्रयास इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अपने प्रयास को छोटा ना समझें, ना जाने कितने दिए मिलके इस ब्रह्मांड को रोशन करें। तो एक दिया जला तो एक और जलाते हैं, कुछ और जलाते हैं। तो इस अगर ब्रह्मांड में रोशनी करनी है तो एक दिए की तरह जलना पड़ेगा हमें, और उस जलने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप हमसे जुड़े। और मैं इलेक्शन के बारे में कहूंगा कि मैं इलेक्शन में ऑलरेडी, मेरे इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत वेल ऑफ नहीं हूं, जो मैं जानते हैं ठीक है, बट ये भी नहीं कि मतलब ऐसी हालत, क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छे लोग तो हैं जरूर जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से नहीं कर पाएंगे। हमारे पास हेलीकॉप्टर उड़ाने के पैसे नहीं है, हमारे पास 50 गाड़ियां लेके आने के पैसे नहीं, हम आपके लिए भोकाल नहीं बना सकते, हम आपका इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक यहाँ पर सीरियस काम करने आए हैं। हम 10-15 दिन में आपके दिमाग को वॉश करके और आपको अपने पक्ष में कर ले, ऐसा कोई हमारे पास जादू नहीं है। इरादा लेके आए हैं, बस एक इरादा है सच में काम करने का, मिलके काम करने का, पार्टिसिपेटिव पॉलिटिक्स में बिलीव करने का, कि यहाँ एमपी बनता हूं तो सिर्फ मैं नहीं बनता, मेरे बक्सर का हर एक इंसान एमपी बनता है, उसे वो पूरा हक होगा जो मेरे पास रहेगा, मैं उसका माध्यम बन के उसकी आवाज बनना चाहता हूँ उस संसद में। और सिर्फ मैं ये रोल नहीं निभाना चाहता कि मैं बाहर की आवाज ला के आप पे थाप दूं, थोप दूं और अपनी सिर्फ बात ला के आपको सुनाता रहूं, मैं आपकी बात को सुनाना चाहता हूं सही जगह पे, इसके लिए मैं चाहता हूं। मैं आपकी इश्यूज उठाना चाहता हूं, मैं छोटे से छोटा प्रॉब्लम्स को उठा के उसको एक कंपोजिट प्लान में, एक कंपोजिट नरेटिव में क्रिएट करके मैं उसको संसद तक पहुंचाना चाहता हूं। सिर्फ एमपी मतलब वो एमपी वाली बात नहीं कि हम सिर्फ एमपी के लेवल पे अपने क्षेत्र में, हमारा जो 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 ग्राउंड लेवल का जो हमारा कार्यकर्ता होगा या इवन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हमारे मुखिया से लेके और एमपी तक, हर एक इंसान हम एज अ टीम काम करेंगे, हम मिलके काम करेंगे। क्योंकि सिर्फ एमपी अपने में नहीं चमक सकता, सिर्फ एज अ एमपी मैं काम नहीं कर सकता, मेरा मुखिया को जब तक काम नहीं कर पाएंगे तब तक मैं नहीं, तो मेरे मुखिया का हाथ मैं मजबूत करना चाहता हूँ, मेरे एमएलए का हाथ मैं मजबूत करना चाहता हूँ, और उससे ही मजबूती आएगी हमारे एमपीशिप में। एक ऐसा पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ, एक ऐसा पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ, हर इंसान जो मुझसे जुड़ता है वो एम्पावर्ड हो, उसे मैं इंपावर करूं, इतना इंपावर कि अगर वो मेरे नाम पे जाके किसी को बोलता है कि आनंद भैया को वोट देना है, तो कल को वो उस बंदे को जिससे उसने वोट मांगा था उसका काम करने की भी क्षमता रखता हूं, और वो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा। मैं अपने कार्यकर्ता को कैसे सशक्त बनाता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं एक ऐसा स्वप्न लेके बढ़ा हूं, एक ऐसा अप्रोच लेके बढ़ा। और खत्म करने से पहले आज के इस इवेंट को मैं आपको कहूंगा कि एक बात याद रखिएगा कि ये जो आज बक्सर में जो बात आ गई है, जहां के रुकी है, ये बक्सर के सम्मान की बात। इसलिए अब ये जो है, लोग मुझे कहते हैं बार बार आनंद भैया जिंदाबाद, बार बार मैं कहता हूं मत बोलो ये आनंद भैया जिंदाबाद, बक्सर की जनता जिंदाबाद। ये क्योंकि लड़ाई बक्सर की जनता की है, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है, ये बात मुद्दों की नहीं, ये बात सम्मान की है। एज अ एक्स ऑफिसर मैं मुद्दों को समझता हूं, मैं समझता हूं कि एक किस तरह से टीम को साथ लेके हम काम कर सकते हैं। मेरे साथ जो टीम काम किए होंगे आप उनसे जाके पूछ लीजिए, वॉज आई अ गुड टीम प्लेयर और नॉट, मैं टीम को साथ रख सकता हूं कि नहीं।
मैं टीम को एम्पावर कर सकता हूं कि नहीं, मैं टीम को वो रिस्पेक्ट देता हूं या नहीं, या इवन फॉर पब्लिक। हाँ, जो बुरे दो चार होंगे वो तो कंप्लेन करेंगे एंड दैट इज ओके। पुलिस वाले के साथ दो चार कंप्लेन ना आए तो फिर क्या पुलिसिंग किया आपने, वो होंगे, लेकिन उससे जनरलाइज अगेन नहीं करना। ये दो चार लोग होंगे जिनके प्रॉब्लम्स मैंने जिनको हर्ट किया होगा, इसमें कोई शक नहीं। दो चार लोग ऐसे होंगे जिनके कुछ अपने इल्लीगल इंटरेस्ट होंगे, जिनको मैंने तकलीफ दी होगी, तो ऐसे भी कुछ लोग दो चार आपको मिले, बट वो दो चार मिलेंगे क्योंकि समाज में अच्छे लोग ज्यादा हैं, ऐसे दो चार हैं एंड उनका होना भी जरूरी है। तो आप ये जान के रखें कि बक्सर, अब की बार बक्सर में बक्सर की जनता का सरकार होने होने जा रहा है। अब की बार ये जान लें कि अब की बार बक्सर के लोगों ने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपनी किस्मत, अपने बच्चों की किस्मत अपने हाथ में ली है, उन्होंने किसी को नहीं देने का डिसाइड किया है। ये डिसाइड किया कि हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हम जो समझते हैं उसी समझ को शेयर कर सके जो उनको रिप्रेजेंट करता है, और वो सिर्फ दिखाने वाली बात ना हो, सच में सेंसिटिविटी हो। और जब मुझ में और हमारे यहाँ के लोगों में, इनको मैं जनता बोलना भी मुझे थोड़ा बाहरी बाहरी पन लगता है, तो जनता नहीं है मेरे लिए, मेरे लोग हैं, इनके पीछे बीच से मैं निकला हूं, इनके बीच से बड़ा, ये पूरा शाहबाद क्षेत्र हमारा जो है, मैं यही का हूं, इसी शाहबाद की मिट्टी से बना हुआ ये शरीर है, ये आत्मा है, मेरा मनोबल है, और मैं जानता हूं कि ये जनता मेरे साथ खड़ी है, मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं। और बहुत लोगों को लगेगा भैया आपको चढ़ा रहे हैं, आपको उड़ा रहे हैं, अब ये पॉइंट है जहां प्रूफ करेगी हमारी जनता, प्रूफ करेगी हमारे लोग, प्रूफ करेंगे कि सच में मुझे हवा में चढ़ा रहे थे या फिर सच में इस जनता में वो बात है। क्योंकि अगर इस बार हम फेल होते हैं फिर से दूसरा आनंद मिश्रा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये फैसला लेना है हमारी जनता को कि ये फेलियर आनंद मिश्रा का फेलियर नहीं होगा, आनंद मिश्रा अपना करियर बना लेगा, इतना मेरिट तो है उसमें, ये फेलियर हमारी जनता का फेलियर होगा, हमारे क्षेत्र का फेलियर होगा, ये डेमोक्रेसी का फेलियर होगा, जहां पे पब्लिक ने चीज चाहा, मांगा और उसको रिस्पेक्ट अगर नहीं मिला तो उसे पूरा भी नहीं कर पाए, फेल भी हो गए, तो दिस विल बी अ फेलियर फॉर डेमोक्रेसी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब मिले, आप सब सोचे और किसी तरह के माहौल में ना आप घुल मिल जाए कि 50 गाड़ी का माहौल देखा तो नहीं, नहीं है मेरे पास पैसे इतने यार मैं 50 गाड़ी लेके घूम सकूं। अगर आप में से भाई लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, 50 गाड़ियां बनाना चाहते हैं, साथ आज ही आपका स्वागत है, है ना, आप मेरे साथ आना चाहते हैं, आप एक एक गांव अडॉप्ट करना चाहते हैं कि उस गांव में मैं आके आपको मैं यू नो आप मेरे साथ जुड़ के मेरे साथ आके आप उस गांव को पूरी तरह से आप समझाना चाहेंगे हमारी बात को, आज ही स्वागत है। तो ऐसे हर इंसान से हो, और हम मैं थोड़ा सा चाहूंगा मैं अपने लोगों से बात कर लूं, हमारे बक्सर के जतन आदमी बानी जाए रोवा सब, रोवा सबसे हमारे एक ही को रिक्वेस्ट रही कि रोवा जहां जहां बानी रोवे हैं आनंद मिश्रा, रोवे अपना आपके बोली हाँ मैं हूं आनंद मिश्रा, हाँ मैं आनंद मिश्रा, ई भाव में आके रोवा सबसे मिल गया कि हम एक ही आदमी बानी नो, हम जो जिसे बताओ नहीं, हम बहुत मेहनत करता नहीं, रोवा सबके मतलब बहुत मेहनत करता नहीं, हम नहीं हमारा पूरा टीम मेहनत करता, हम लड़का सब बाड़े सब बिना खेले पियले दिन भर हमने के जहां जहां हो सकेला कोशिश करते हैं, जाए के मिले के सबके समझावे के बतावे के अपन बात, और लेकिन तब वो इंसान है जा, हमने के हर जगह ना पहुंच सक गया, हमने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज टीम नहीं खे, तो ई सब के जो कमी बाई कैसे पूरा हुई, ई रोवा सब पूरा कर, हमने की जो बक्सर के आदमी रोवा सब बानी जा, रोवा सब उठनी बात के रोवा बोली कि कहां आनंद मिश्रा तो लोकबे करिए जब बन जिए तो कहां जिए इजे के नो बाड़े ही तो इबे करिए हम इससे मिले, अभी हम बानी रोवा संगे, हमरा के देखिए आनंद मिश्रा हमरा से बतियाए, हम रोवा सब के देखिए ऑन रिकॉर्ड ही प्रॉमिस करता नहीं, ऑन रिकॉर्ड ही हम रोवा से बोलल चाहता नहीं कि रोवा भाई और बेटा ये जोन बा ये कभी रोवा के छोड़ के ना जी, हमने की जानत की देखिए एमपी होई ना होई का होई हमरा कुछ नहीं पता, तब हम एक जगह हम पहले हूं आयल रही सर्विस करे खातिर, हम काम करे खातिर, हम इस जगह के विकास करे खातिर आयल रही, आजो हमारे उहे मन बा हो जाए तो ये करब और ना हो तब ये करब, हमारा कौन रूप ना बदल जाइए, मत सोचे कि ना हुए तो बबुआ चल जाइए, कहीं ना जाइए, एक जे रही है, एक जे रही है, हमने के अपन जितना हमने के भाई लोग बालू रुआ सबके बलिश कर जाए, हम एक हाथ से ना कर पाएगा, हम 10 को हाथ बने, 10 ना हो सौ गो हाथ बना लीजिए, लेकिन मिलके यही पर हमने के काम चले, उसे रुआ सबसे हमारे हाथ जोड़ के गुहार बा, रिक्वेस्ट बा, रुआ सबसे हमारा आवेदन बा, निवेदन बा कि हर आदमी रुआ जहां बनी आपस में बात करिए, आज ये हमने की ज्यादा आदमी है 450 आदमी या 600 आदमी नहीं जा जुड़ नहीं जा, बाद में बहुत आदमी हो सकेला, ये हमने के देखल जाए, बहुत आदमी आई है लोग ये वाला देखे खातिर, तो जी जी एक के देखे आई है लोग तो समझ, क्योंकि रोल कबा काम कबा हमारा समझ पूछिए भैया बताई हमारा का करे के बाद,
रउआ ई करी कि रउआ अब पूरे ठेका ले ली कि हम अब की करब, चुनाव हमार माने राउर चुनाव ह, हम खड़ा होतनी एमपी में भाई, आनंद मिश्रा के नाम से हम खड़ा भइल बानी एमपी के इलेक्शन में, आ हम इनका के देखो कैसे पहुंचाई। रउआ सब बोली कि चली भैया हमनी के करब जा, हमनी के करब, अब की हमनी के ना देखनी जान तो हम ई रउआ जान जाई कि अब हमनी के फिर भविष्य नहीं के कुछ। जोन बात के हमनी के अतना अथी करते हैं जी कि हमनी के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होए के चाहिए, हमनियों के ये अधिकार होए चाहिए कि हमनी के इस क्षेत्र के आदमी के नेतृत्व करे के मौका मिले के चाहिए, अपने जगह के बहरियों के नीचे मांगा जाए, हमनी के हमनी के जे समझा तनी जाए, गांव गांव जा तनी जाए, जाना तनी जाए, हर गांव गांव में हमनी के आदमी बा, हम ही कहीं जानी कोनो गांव में तो हर गांव में हमारे एजा रिलेटिव बड़े लोग, तो कहे बबुआ तू आईपीएस अफसर हो, तू हई हिंदा से हई करवा दा, हुनका से हो बुलवा दा, हई कर, बड़ा छोट महसूस होला हो गया यार, कैसे कह जाओ यार। वो जब तड़प होला ना, हम रोक बता नहीं सकते, ये तड़प से हम आईपीएस की नौकरी, वो पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन लेके हम ज्वाइन कर लिए यूपीएससी के परीक्षा देने, वो तड़प तो आजू बा हमारा में, वह भाव तो आजू बा, अब और 10 गुना 100 गुना बढ़ के बा, वही से हम वाला रास्ता धैले बनी। हमारा हिम्मत सोचो कि हमारा बड़ा मन नेता बन के चाहे कुछ बड़ा एमपी बन के मंत्री बन के हमारा बहुत बड़ा हम सब सह ले मिल गई बा हमारा, ऐसा बात नहीं है, जीवन में जो उपलब्धि एगो आईपीएस अफसर हो बहुत छोट बात नौले रहो, सब जाने नहीं बात, बनल बनी 5-5 गो जिला में हम एसपी रह बनी। हाँ तो जोन जोन हो सके लगे एसपी के जितना ठाट बाट जो प्रोटोकॉल है यह लाल बत्ती सब देख ले बनी, सब देख के समझ में कि जब ले हमार हमार क्षेत्र के आदमी के निखे मिले, हमारे क्षेत्र के आदमी छोट छोट चीज खाती एजा ललका था, एगो जाके ब्लॉक में काम निखे करा सकत, उनका देखिए तेजा नाली गली के प्रॉब्लम भइल बा, हम ओजा ऐश से करता नहीं, हम बैठल बानी बड़ बड़ बंगला में हीरो बनता नहीं, ये कौन काम के हमारे हीरो बनल, ये सब भाव हमारा के खींच के लेल बा, ए भाव से जे जे हमारे संगे जुड़ल चाहता नहीं जुड़ता नहीं, बिलीव मी रुआ कभी जीवन पछतावा ना हुई, रुआ एगो अच्छा कॉज से जुड़ता नहीं, हमारा और दूसर कोनो मतलब नहीं खींचा। तो ये लास्ट हमारे रिक्वेस्ट बा कि जे जहां बानी रुआ अपन अपन जगह पे जे जहां बनी ओजा काम करे शुरू कर दी, लोगन के जोड़े शुरू कर दी, आई करे कि अब की हमने के अपना भविष्य खाती अब की बार वोट दे जा, अब की हमने के उन्हें पार्टी विशेष खाती वोट ना दे जा। और हमेशा एक चीज देखी कि हमरा के बहुत सारे लोग एमे कुछ कुछ कहले बड़े लोग वह हमरा के बतावत रहा कि हयो कमेंट आई बा, हयो बता दी, हयो बता दी। तो देखिए अब देखिए कास्ट वास्ट कुछ दिन कास्ट के लोग से भी मिलिए, अच्छा देखिए ठीक बात, देखिए कास्ट जो ना जाति एगो सच्चाई बा जीवन के, लेकिन भाई हम जन बात बोलो नहीं हतना देर से बतवा से समझी रो सब, हमने के खाली जाति अपन हमने के आइडेंटिटी बा, जे जो जाति के ओकर आइडेंटिटी बा, ओकर अपन जिये के एगो तरीका बा, लेकिन हमने की हम जो काम खाती आयल बनी हम डेवलपमेंट विकास खाती आयल बनी, जब विकास हुई जब रोडवा बनी तो हम ये थोड़े हुई कि रोड पर हमारे खाली हमारे राजपूत भाई लोग जी हैं लोग, चाहे हमारे भूमिहार भाई लोग जी हैं लोग, चाहे हमारे वैश्य भाई लोग जी हैं लोग, चाहे हमारे हरिजन भाई लोग जी हैं लोग, ऐसा तो बाना सभी लोग खाती बनी हो। अगर पैसा हमने के समाज में बढ़े शुरू हुई, जब सबके घर घर में बेहतरी शुरू हुई, तो चुन के अगर शुरू हुई, अगर ऐसा करब जाए तो हमने अच्छा समाज कैसे बनाए जाए। अरे आज से 20 साल पहले के देखिए हमने के जन रही जाए, आज हमने के आदमी जैसे जब भरी दिल्ली जाते हैं, जब बंबई जाते हैं, जा हमने के दिमाग में आवेल एक बार कि कौन जाति क्या हो तो ईजा होते गाँव में ऐसे कहा करे लगे जानने के, तो ये सब हमने के तनिक समझ जरूरी बा, बुझ जरूरी बा कि हमने के अभी विकास के बात करिए, आ जरा बहुत जाति प्रेम बा, हम खराब नहीं बोलन ठीक बा, लेकिन पहले हमने के एगो बेसिक स्टैंडर्ड पे आई जाए, पहले एगो अपन लेवल पकड़ी जाए, ओकरा बाद इस सब पे हमने के जब टाइम बाची तब हमने के चर्चा कर जाए। अभी का होता रहा देखिए वो चीज समझ, जोना आदमी लगे मुद्दा नहीं है, जोना आदमी लगे कुछ कर गुजरे के कर दिखावे के क्षमता नहीं है, वो रुआ के ऐसा ऐसा टॉपिक उठा के बतियावे लगे, कभी जाति कभी धर्म कभी कोनो ना कोनो बात में रुआ के बझा दी, ताकि रुआ पूछबे मत करे कि भाई विकास की बतवा कब हुई, हमार भाई सदर हॉस्पिटल वा कब बनी, एक आदमी बीमारी में मर जाता, मतलब छोट छोट बीमारी में बुखार होता मर जाता, ये सब कैसे ठीक हो पूछबे ना कर, जाते हुए हई जाति हो धर्म हई भइल हो भइल, अरे भैया तनी ठहरी रुकी, हमने की एक संगे मिल के पहले अपन बेसिक जीवन के जो हमने के जरूरत बा, हमने के हेल्थ के जरूरत बा, एजुकेशन की जरूरत बा, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत बा, इतनी ठीक कर लेबे तब पहले, ओकरा बाद जब टाइम बची जब हमने के लगे बहुत आराम से बैठब जा, तब हमने के अपन जाति के चर्चा करब जा, धर्म के चर्चा करब जा, सब कुछ के चर्चा करब जा, अभी खाए के नहीं खे यार, आम पड़ल बनी यही सब, यही सब डिटेल में यही सब समझी। हम हमेशा जानी एक बात कि एक बात हमेशा रही कि जौन समाज अपन जिम्मेदारी खुद नहीं उठौले, जौन इंसान अपन जिम्मेदारी खुद नहीं उठौले, ओकर अगर भविष्य अंधकार में रहे तो ओकर दोष के हुआ और के ना देवे के चाहिए।
राउर जीवन बा, डिसीजन रहुए लेवे के बा। अगर अपन डिसीजन दूसरा के हाथ में दे देव तो अपना फायदा के हिसाब से रउरा खातिर डिसीजन लियो, रउरा फायदा खातिर थोड़ा लिखे। तो ये समझी, ये बात समझी, ये हमारे ज्यादा कुछ नहीं कि हमने के फिर मिलल जाए, बार बार मिलल जाए, बहुत बार मिलल जाए, रवा जब बलाय तब मिलल जाए। ऐसे हम राउर गांवे गांवे आवत तनी अभी बक्सर में, गांव गांव आके मिलल जाए। हम देखिए बहुत बार हमने के फेसबुक पर यही पर, यह हमारे मेन पेज है जोन बा, जोन आनंद मिश्रा, यह मेन पेज है। और एगो हमने के आनंद मिश्रा IPS कनेक्ट बोल के एगो पेज बा, जो के लिंक हम यही कमेंट बॉक्स में डाल दें, ओ पर रवा फॉलो कर ले। ओ पर हमने के अपन शेड्यूल डालत रही, जब मैंने टीम के लड़का बड़े लोग दो चार को वह सब देखे ले तो पे डालत रही है, तो हम कब कहाँ जाता नहीं जे का करते हैं, जरूर जाने की मिल जाए या हमने से जुड़ब। हम एगो एज गूगल फॉर्म डालत नहीं, सॉरी लेट मी कम बैक टू हिंदी सबके लिए, तो मैं इसके बाद एक गूगल फॉर्म भी डालूंगा इसमें, तो जिसपे आप जब चाहे, आप अगर चाहते हैं हमसे जुड़ना, सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह से, आप यू नो हमारे साथ आके चलना चाहते हैं, आप हमको कुछ ऑफलाइन सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कुछ जानते हैं उस ज्ञान को हमसे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप IT रिलेटेड कुछ भी व्हाटएवर जो हमारे इस काम में जो भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमसे इस गूगल फॉर्म में आप डाल दीजिए, आप आइए ज्वाइन करिए और हमें बताइए। हमें बहुत खुश होगी कि एक जो एक सच्चे दिल से कुछ लेके निकला मैं यहाँ पे, इसको सपोर्ट करने वाले ऐसे और बहुत सारी आत्माएं हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सच्चे काम करके अपनी बात को बताना चाहते हैं। सिर्फ फेसबुक सपोर्ट या ऐसे सपोर्ट से ही नहीं, ये भी बहुत जरूरी है मैं कहूंगा, ये कोई छोटा नहीं बात है। आपके सोशल मीडिया का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है हमें समझदारी के लिए, बहुत ही हमें फीडबैक अच्छा मिलता है, इसे बहुत बड़ा सपोर्ट है। जो पॉसिबल है जिसके लिए ग्राउंड पे आके सपोर्ट करना, प्लीज हमें सपोर्ट करिए, वक्त ज्यादा नहीं है और हम इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत उम्मीदें हमसे जुड़ चुकी हैं। अब हमारे आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। जो भाई हमसे जुड़े हैं, भरोसा रखिए आपका भाई आपको कभी भी टर्न डाउन नहीं करेगा, आपका ये भाई आपका बेटा आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देगा कि आप चीटेड हुए हैं या आपके साथ कोई किसी तरह का किसी ने आपको यूज किया है। तो ये भरोसा रखिए बस, और कभी भी कुछ अच्छा होगा मेरे जीवन में, हमेशा ही प्लस पे, कभी कुछ अच्छा होगा बिलीव मी वो आपके लिए मैं करूंगा, आपका होगा। और कहीं कुछ तकलीफ होनी है मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, मैं खुद झेलूंगा उसको। मैं अगर लीडर होना चाहता हूं तो हर तकलीफ को झेलने की क्षमता मुझे होती है। इस बात पे ध्यान रखिए, भरोसा रखिएगा इस भाई पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत तरह के नैरेटिव्स डेवलप करेंगे, यू नो आप अफवाहें फैलाएंगे, उससे बहुत आप सचेत रहिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ आकर फोटो खींचा लेंगे, है ना, और वो जानबूझ के वो गलत प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं। मैं सबको नहीं, मैं बताऊं सबको अच्छा मान के सचता हूं, तो कोई गलत प्रवृत्ति के इंसान का मेरे साथ फोटो देखिए मत सोचिएगा कि मैं अरे ऐसे लोगों के साथ घूमता हूं, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ भी तो फोटो है, उनके साथ भी, क्योंकि मैं एक पब्लिक लाइफ पे हूं। मैं फिल्टर नहीं कर सकता हूं कि मैं इनके साथ रहूंगा इनके साथ, जैसा मैंने बताया रोड बना तो रोड पे सब चलेंगे, लेकिन ये जरूर है कि किसको कितना जगह देना है। मैं वक्त के साथ, समय के साथ और माहौल के साथ समझता हूं किसको कितना जगह देना, उस हिसाब से मैं उनको फिल्टर कर लूंगा। आप इस बात पे, इस भाई पे भरोसा करिएगा। मैं चाहूंगा आप सब एक्टिवली मुझसे जुड़िए, और ये जो पैसिव सपोर्ट है आपका सोशल मीडिया से, ये भी जरूर रखिएगा, और पॉजिटिव जितना सपोर्ट मिले उतना मुझे अच्छा लगेगा। नेगेटिविटी कुछ आती है तो कोई बात नहीं, आपका भी वेलकम है, जिसके मन में जो है आप उस हिसाब से व्यक्त करिए, जिसके पास मन में पॉजिटिविटी है पॉजिटिव व्यक्त करिए, जिसके मन में नेगेटिविटी है नेगेटिविटी व्यक्त करिए, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं क्या ग्रहण करूंगा ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो आपका बहुत धन्यवाद, आशा करता हूं आप ठीक रहे, आप स्वस्थ रहे, आप जिम्मेदारी से अपना काम करते रहे, और हमेशा याद रखें कि ये जीवन एक बार आता है, एक जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन बनाने की तरफ आप कार्यरत रहे। तो धन्यवाद आप सबका, शुभ रात्रि, और आज के लिए आप सबको जय हिंद। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौंगाई नर्सरी से 10 तक।